नमस्कार, डेली न्यूज 9 में आपका स्वागत। मैं हूँ सारी पुत्र वानखेड़े। राज्य शिक्षा मंडल ने जारी किए 12वीं के नतीजे। अम्बेडकर कॉलेज के चैतन्य प्रथम टूटे सारे रिकॉर्ड। इस वर्ष साइंस स्ट्रीम से अम्बेडकर कॉलेज के चैतन्य अय्यर ने 99.2% अंक हासिल कर सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। नागपुर विभाग का परिणाम सुधरा। मुंबई, लातूर, औरंगाबाद और नासिक को पछाड़ा। पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे अच्छा परिणाम इस साल का 90 से 5वें स्थान पर नागपुर विभाग ने बनाई जगह, जो अब तक का सर्वोत्तम परिणाम रहा। मैं हूं नितिन बागड़े, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9। अभी हम इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज नागपुर में। कल राज्य शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया। उस रिजल्ट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़के का नाम है चैतन्य अय्यर। जिस लड़के ने 99.2% अंक हासिल करके अपना जो पढ़ाई में जो योगदान है पूरी तरह से सामने दिखाई दिया। उसी प्रकार से अगर नागपुर शहर में अगर 5 साल के अगर बात की जाए तो नागपुर विभाग सबसे बेहतरीन अंक से सामने आ गया। उसी प्रकार इस लॉकडाउन में जो एग्ज़ाम ली थी उसी लॉकडाउन में अपने अपने स्तर पे कई लड़के ने अपना हुनर दिखाकर अपनी पढ़ाई साबित दिखाई दी। मुंबई, लातूर, नासिक, औरंगाबाद से कहीं बेहतर नागपुर का जो प्रतिशत भाग है बहुत ही बढ़िया दिखाई दिया। अंबेडकर कॉलेज में पढ़ने वाले चैतन्य अय्यर, जिनके नाम से अभी अंबेडकर कॉलेज जाना जाएगा, ऐसी बहुत ही खास कामगिरी बता दी है इन्होंने। अंबेडकर कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। नागपुर शहर मध्य भारत के नागपुर सेंटर में जो अंबेडकर कॉलेज गिना जाता है, अच्छे अच्छे कॉलेज के सामने नाम से जाना जाता है, उस कॉलेज से अपनी काबिलियत बता दी है चैतन्य अय्यर ने। इनसे जानते किस तरह से अपनी कामयाबी हासिल की है, अपने अंक किस तरह से, पढ़ाई किस तरह से की है, उनसे जानते हैं। मेरा मैसेज तो इतना ही है कि आप जितना हार्डवर्क करेंगे, जितने एफर्ट्स डालेंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही। आप अगर एफर्ट्स करने में ही अगर फेल होंगे तो आपको सक्सेस कभी मिल नहीं सकता। और मेरे सक्सेस का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने हर पल मुझे सपोर्ट किया। हर बार उन्होंने यही संदेश दिया कि एग्ज़ाम्स कैसे भी दो, मार्क्स का स्ट्रेस मत लो, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। और कॉलेज और ट्यूशन के टीचर्स ने कंसेप्ट पढ़ाए, उन्होंने मुझे कंसेप्ट क्लियर करवाए और एग्ज़ाम लिखने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, तो इसलिए मेरे सक्सेस का श्रेय उन्हें जाता है। कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की? ऐसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था पढ़ने के लिए, जैसे समय मिलता था, जब तक कंसंट्रेशन रहता था तब तक पढ़ता था। फिर अगर कंसंट्रेशन जाता था तो एक 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेके फिर वापस पढ़ाई शुरू ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइए, जिस समय में आप कोई भी, आप हो या अन्य कोई भी लड़के बच्चे हैं, जिस समय में पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई करते समय किसी को मानसिक तनाव या फिर और अन्य चीज़ें उसको सामना करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें आपको भी करना पड़ा? स्ट्रेस तो होता ही था कभी कभी पढ़ाई का, लेकिन स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था। डिबेट्स या क्विजेस के लिए अगर जब उसके लिए प्रिपेयर करता था, और या फिर कभी सिंथेसाइजर बजाता था, दोस्तों के साथ फुटबॉल, इस सबसे स्ट्रेस काफ़ी रिलीव हो जाता था। अच्छा, मतलब पढ़ाई और साथ साथ में खेल कूद ये भी है ना जी, सबको बैलेंस कर। अच्छा, बैलेंसिंग। और जो आपने जो अभी 99% आपने जो हम हासिल किए, इसके बाद में आपकी तैयारी कौन सी है, किस सेक्टर में जाना चाहोगे आप? जी, मुझे इंटरेस्ट इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स दोनों फील्ड में है, तो बिट्स पिलानी में एक इंटीग्रेटेड डिग्री है इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की, उसके लिए ट्राई करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब अगर अर्थशास्त्र में आप जाना चाहोगे तो किस तरह से? अर्थशास्त्र में अगर जाऊँगा तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना चाहता हूँ, ताकि देश की सेवा कर सकूँ। चैतन्य अय्यर का कहना है कि अगर अर्थशास्त्र में अगर मैं जाता हूँ तो मैं देश की सेवा करना चाहूँगा। और हमारे साथ चैतन्य अय्यर की मम्मी है, माँ है, उनसे भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतने अंक आपके लड़के ने हासिल किए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत तकलीफ होता है कि किया है, पूरा उसने मन से किया है, जो कुछ किया है अपने
ईज से किया है और टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, वो स्टार्टिंग से उसको बहुत हेल्प किया है, इसलिए उसने इस तरह तक आया है। अच्छा, तो आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं ये आपको, इन सभी लड़के लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मार्क्स तो सब कुछ रहते नहीं है, लेकिन मार्क्स कभी भी रहना अच्छी बात ही होती है, तो पढ़ाई करना चाहिए और कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मार्क्स तो उतना स्ट्रेस मत दे, बट ट्राई योर बेस्ट ऑलवेज और एफर्ट्स हमेशा करना चाहिए। बहुत ही खास इन्होंने बात बताई है पढ़ाई के लेके, पढ़ाई से लेकर अर्थशास्त्री बनने की, भारत की सेवा करने की बात कही है। इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के जानकारी आपको अगर मिलती रहे तो आप इस चैनल को, इस न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यूज़ की आपको अपडेट देते रहे। डेली न्यूज़ 9 नितिन बागड़े के साथ, नागपुर।